यहाँ से दाएं जाएं कि बाएं जाएं? दाहिना घूरिएगा। दाहिना घूर जाएंगे उसके बाद? पूरा बड़ा बाजार में आगे कपड़ा का तो मार्केट है उधर। वहाँ खाना का दुकान सब भी है, खाने उने कचौड़ी उचौड़ी मिलता है? मिलेगा वहाँ पर। पूरा कलकत्ता में चाय हम 5 का पिए, आप 6 का दे रहे हैं। 10 रुपया का भी है। रविंद्र सरानी रोड से होते हुए अर्मेनियन स्ट्रीट में हम एंटर कर चुके हैं। यहाँ से हम जाएंगे बड़ा बाजार। बड़ा बाजार में मारवाड़ी कम्युनिटी है रहती है, और मारवाड़ी कम्युनिटी जो है वो बिजनेस कम्युनिटी है। उनके क्या क्या खाने होते हैं, उनके क्या क्या जायके होते हैं, उनसे आपको रूबरू कराएंगे। आइए हमारे साथ। नाम क्या हुआ? शुभ नाम मनोज। ये कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? 1911-12 से। मतलब 100 साल पुरानी दुकान है ऊपर। क्या क्या चीज़ फेमस है आपके शॉप पे? गुजराती आइटम। आप लोग गुजरात के रहने वाले हैं? गुजरात में कौन सी जगह से? मानवर, जामनगर। तो मेनली जो फरसान होता है वो मिलता है आपके यहाँ, और स्वीट्स हैं। तो इसमें ये उड़द दाल का लड्डू है। आप लोग पिन्नी बोलते हैं ना? हाँ हाँ, वैसे ही है, उड़द दाल का बना हुआ। ये आइटम सिर्फ विंटर से बनाते हैं। इसमें भी गोंद ड्राई फ्रूट्स मिला के, घी मिला के। और ये जो गुलाब पाक है, पूरे साल मिलती है ये? क्या इसमें क्या क्या मिलाते हैं? क्या क्या चीज़ें? फूल और मावा, गुलाब की जो पंखुड़ी होती है। इस बर्फ़ी को गुलाब पाक कहा जाता है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है गुलकंद की बर्फ़ी खा रहे हैं मावे में मिला के, और बहुत ही खुशबूदार है। ये खाया हुआ तो है, मतलब बिहार में मिलता है ना? बिहार का आइटम है ना, तो लग रहा है ऐसा बिहार में खाया हुआ है मैंने। संगालू लग रहा है, नाशपाती खा रहे हैं मीठा। एक था मटर कचौड़ी दीजिएगा। ये मटर कचौड़ी है, बेसिकली मटर पूड़ी भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे लोकल भाषा में यहाँ पे कचौड़ी कहा जाता है। इसके अंदर में जैसा अंकल बता रहे हैं, मटर को पीस के स्टफिंग की जाती है, साथ में आलू चने की सब्जी, और ऊपर से चटनी डाली गई है थोड़ी खटाई, जो कि अमचूर और डेट्स खजूर की। ये अंदर जो पूड़ी के अंदर जो स्टफिंग है कचौड़ी के अंदर में, वो हरे मटर की है। हमको जितना साल हो गया, आई बिलीव मेरा एज 24 है, एंड इट इज गोइंग अराउंड 15 साल हो गए हमको देखते हुए। इवन ये हम लोग के जान पहचान में भी हैं। हाँ, मेरी मम्मी नानी, इवन ये नो, शी नोज माई नानी है। तो ये कचौड़ी में रहती है, ये शुरू से कचौड़ी मटर की बना रहे हैं। हाँ, इनका कचौड़ी मटर का सबसे बेस्ट है। इवन आप टेस्ट करो, यू विल। हमने खाया, हमने ट्राई किया, बहुत ही उम्दा था। बिल्कुल मीठी का मीठा मटर था, मीठा मटर और खस्ता कचौड़ी, बहुत ही उम्दा, बहुत मजा था। 12 मंथ में इनके मटर का कचौड़ी का टेस्ट कभी नहीं चेंज हुआ, सेम रहा है। इवन अभी हम ऑफिस से यहीं मटर कचौड़ी खाने के लिए आए, नहीं तो हमको शौक नहीं आने का। इवन आई स्टे इन कालकाता, बट स्टिल आई हैव कम टू ईट दिस मटर का कचौड़ी टुडे। इसमें गाजर, दूध, घी, दूध, मावा, घी, इलायची सब पड़ता है। बहुत बढ़िया, टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, बिल्कुल एकदम दानेदार। थोड़ा सा नीचे से जो खुरचन लग जाता है, हाँ, उसका स्वाद भी आ रहा है। बहुत बढ़िया। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? 40 साल से दुकान है आपकी? 40 साल। और सर ठंड के टाइम पर हलवा लगाते हैं, बाकी टाइम आपको लस्सी मिलेगी।
साहब एक पान खिलाइए। पत्ता में कड़वाहट पन थोड़ा होता है हल्का, लेकिन सब पान में जो है ऐसा नहीं होता है। बंगले पान में भी कुछ ऐसी जातें होती हैं जो भी उसमें जरा सा भी झालपन नहीं होता है। और मीठा पान जो है उसमें तो मिठास रहता है, खाने में थोड़ा सा मिठासपन रहता है, बस यही है। और दोनों पत्ता होता कलकत्ता में ही है। हाँ, कलकत्ता में कहाँ से आता है, कौन सी जगह से? यहाँ जो है बंगाल में तीन किस्म के पान पैदा होते हैं, एक मीठा, एक बंगला, एक सांची पान। सांची जो है वो भी उसकी खेती भी बंगाल में ही होती है। तो आप लोग क्या पत्ता कहाँ से आता है, कहाँ से लाते हैं? हम लोग तो राजा कटरा से ले आते हैं। ऐसे खेती इसका मेदनीपुर में है और जगह जगह पर मेजदा में है। ये इमली वाला, इमली, लहसुन, गार्लिक, चमचा, क्या बात है, तीन बहुत ही खस्ता कचौड़ी। अंदर जो स्टफिंग है वो प्याज की, साथ में बेसन काफ़ी देर भुना गया, फिर सब करके फ्राई किया गया। तीन तरह की चटनी दी गई है, एक गार्लिक चटनी और एक मीठी चटनी और एक नारियल की चटनी, बहुत ही बढ़िया। गोपाल जी कुल्फी वाले, एक कुल्फी लगा दीजिए। ये क्या चीज़ है? एक कोने पे पूरे साल कुल्फी मिलती है, पूरे साल कुल्फी चलती है यहाँ पर। और कौन सा फ्लेवर बनाते हैं यहाँ पे? चीकू मिलेगा, संतरा मिलेगा, आम मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा जो आइटम आपको चाहिए। लेकिन वो ऑर्डर में बनता है? ये आपको परमानेंट मिलेगा, ये परमानेंट मिलता है, एक तरह का फ्लेवर मिलता है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक कुल्फी का फ्लेवर है। आप किसी भी दुकान पर जाएँ, जो क्लासिक हमारे जो हिंदुस्तानी कुल्फी फ्लेवर है वो रबड़ी, केसर, पिस्ता है। इसमें काफ़ी सारा केसर का जायका है, खासकर जो शरबत डाला है वो किस का होता है? केसर का पानी है, केसर का पानी होता है वो, मतलब कुल्फी के ऊपर में और केसर। काठ गोदाम की सबसे फेमस बूंदिया, इसको हमने उज्जैनी सेब के साथ खाया, काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट है, अच्छा नमकीन और मीठे का। जो बूंदिया है काफ़ी सॉफ्ट टेक्सचर है और बिल्कुल चाशनी में डूबी हुई है। पहले डालडे में बेसन का बैटर बना के फ्राई किया जाता है, उसके बाद चाशनी में डूबते हैं, थोड़ा सा हल्का फूड कलर मिलाया गया है और उसके बाद फिर चाशनी में निकालते हैं। बिल्कुल ऑरेंजिश कलर जो आप देख सकते हैं इस बूंदी का आ जाता है। तो शाम के टाइम पे काफ़ी प्रसिद्ध नाश्ता है, जिसको लोग दही के साथ भी मिला के खाते हैं बूंदी में, और कई जगहों पे सेब के साथ मिला के खाया जाता है या भुजिया के साथ मिला के खाया जाता है। तो अच्छा रहा, हमने बिल्कुल फ्रेश बनते हुए देखा कैसे बूंदियाँ बनाई जाती है, गर्मा गर्म बूंदियाँ। और इनके पास दो तरह की बूंदियाँ हैं, एक देसी घी में बनती है और एक डालडा में बनाया जाता है। हमने डालडे वाला ट्राई किया, दोनों ही लगभग सेम ही टेस्ट होता है, थोड़ा सा घी वाले में आपको अच्छा और खुशबू आती है घी की। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपके बिल्कुल फ्रेश बूंदिया ट्राई करके। धन्यवाद।
उसको क्या बोलते हैं? मलाई, सूखा मलाई। सूखा मलाई तो बोले खुरचन की तरह है। कोई खुरचन है ही है, बंगाली में लोग बोलता है सौर भाजा। क्या? सौर भाजा। सौर भाजा, हाँ आपने सौर भाजा बोले तो। हाँ, और आगरा साइड में लोग बोलते हैं खुरचन। इसके अंदर कुछ स्टफिंग किए हुए हैं क्या? मावा। ये तो हम लोग एक तो मलाई की परत में अंदर मावा भरा हुआ है। हम लोग मथुरा गए थे, वहाँ खाए थे मलाई समोसा। हाँ, बस वही है। वैसे ही बिल्कुल सेम मथुरा वाला ही है। हाँ। बस ये कि यहाँ पे रोल बना दिया गया जी। यहाँ मथुरा वाला आगरा वाला चालू किए हैं और कोई जानता भी नहीं था बंगाल में। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस। बहुत बढ़िया, बिल्कुल एक थिक मलाई की परत, उसके अंदर में खोया सब करके। जो हमने मथुरा में खाया था मलाई समोसा था वो तिकोना था, ये रोल बनाया गया है और शक्कर बिल्कुल नीची नहीं है इसमें। बहुत बढ़िया, बिल्कुल प्योर मलाई। बहुत बढ़िया लगा यादव जी आपसे बात करके। और मैं कह रहा हूँ मलाई रोल, मैंने मलाई की मिठाई बहुत जगह खाई है, मथुरा में भी खाई है, पूरी में भी खाई है। आपका काफ़ी अलग लगा मुझे। सबसे अच्छी बात इसमें शक्कर नहीं था और उसकी मिठास जो थी वो सिर्फ मलाई की खुद की मिठास थी। बहुत बढ़िया, चलिए धन्यवाद। चार बदरी कन्हैया चुन्नी छगानी। आपका सबसे फेवरेट कौन सा है? हम लोग ऐसे चारों या चेस चेंज कर के सोमवार बदरी के यहाँ, मंगलवार कहीं और। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बड़ा बाजार अगर हम लोग पहले रहते थे, अब रहते नहीं है, लेकिन बड़ा बाजार अगर आएंगे तो बदरी का कचौड़ी, इधर से निकले तो बदरी का, आगे से निकले तो चुन्नी लाल का, और उधर से निकले तो छगानी का, ट्राम लाइन से निकले तो कन्हैया का। ये एरिया वाइज है, जिधर से निकले वो चार ही फेमस है, बदरी कन्हैया चुन्नी का। तो ये सबके बनाने का तरीका अलग है सबका? सबका अपना मसाला का अपना ही ये क्वालिटी है, केवल उसका मालिक ही जानता है। जैसे तिवाड़ी का मसाला का सिंगाड़ा, वैसे बदरी का मसाला का अपना है, कन्हैया का अपना है, सबका अपना, कोई तीसरा आदमी नहीं जानता। किसी का मसाला है इसमें अंदर में? बेसन और मूंग दाल रहता है। अच्छा, सेव, अरे आलू कड़ी, बेसन की कड़ी है, बेसन की कड़ी है। मतलब एक पीस कचौड़ी है इसके अंदर में, लग रहा है दो तीन कचौड़ी है लेकिन एक कचौड़ी है सर। ये डिश है कहाँ की? ऐसे आलू कड़ी तो कहीं और साथ में कचौड़ी, राजस्थान में लोग खाते हैं। लगता है पूरे दिन काम करके आप थक गए, थकान हो गई आपको आज पूरे दिन की? सुबह 5-6 बजे चालू हो जाता है सुबह। लेकिन जो इस टाइप की कचौड़ी है, मुझे लगता है यहाँ का जो लोकल वो लोग पसंद करते हैं, यहाँ के लोकल पसंद करते हैं। और उसके अलावा आपके जैसे कलकत्ता के बाहर से जो राजस्थान से आते हैं आदमी लोग, वो लोग को राजस्थानी फूड अगर चाहिए तो प्रॉपरली बड़ा बाजार ही आना पड़ता है। क्योंकि बड़ा बाजार छोड़ करके हम लोग जो सॉल्ट लेक एयरपोर्ट साइड चले गए हैं, लेकिन आज भी हम लोग को बड़ा बाजार बिना हम लोग को चैन नहीं है। हालांकि सब सामान अवेलेबल वहाँ भी हो गया, कचौड़ी वगैरह सब कुछ है, लेकिन आज भी क्या है कि कई बार ऐसा है कि फैमिली मेंबर जो है, चलो यार बदरी का एक कचौड़ी ले आओ, भले ही 50 रुपये का, 100 रुपये का तेल जल रहा है, 200 रुपये का कचौड़ी आ रहा है, 200 रुपये का तेल जल रहा है, लेकिन बदरी का ही खाना है, कन्हैया का ही खाना है, चुन्नी लाल का ही खाना है, छगानी का ही खाना है। टेस्ट टेस्ट पे है जो शुरू से उसको खा चुका है। लोग बाहर से भी अंदर ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं चाय की दुकान पे। ये भारत है, चीज़ अच्छी हो तो लोग पहुंच जाते हैं। यहाँ अगर मुफ्त मिले प्याज के लिए लाइन लगा के लोग पहुंच जा रहे हैं प्याज के लिए, तो चाय। प्याज तो 140 रुपये किलो पहुंच गए।
कोई मिलावट नहीं, और जाएगी और जाएगा। और यहाँ पे बनारस से काफ़ी लोग हैं, मैंने देखा यादव मिल्क वाले जो हमने बात हो, वो भी यादव का ही दुकान है। बनारस से काफ़ी लोग आके यहाँ बसे हैं? नहीं उतना नहीं है, बिहार के ज़्यादा, बिहार का ज़्यादा है। यहाँ बिहारी आपको 80% मिले, यहाँ की आबादी में 60% बिहारी है, 30% जो है मारवाड़ी, और 10% जो बचा वो बंगाली है। 10% में सब सब मिक्स है। अब हम आ चुके हैं कलाकार स्ट्रीट, और यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध दुकान है तिवारी ब्रदर्स के नाम से, जो जाना जाता है अपने महीन नान लड्डू के लिए। आइए जायका लेते हैं। तो ये तिवारी ब्रदर्स का प्रसिद्ध लड्डू, और इसकी ब्रांच पुरानी दिल्ली चांदनी चौक पे भी है, और कनॉट प्लेस में भी है तिवारी का मैसेज, वही सेम है। बहुत ही उम्दा, इसको बोलते हैं महीन दाना का लड्डू, बहुत जगह पर इसको मोती चूक का लड्डू भी बोला जाता है। दुकान की शुरुआत हुई थी वो पहले सिर्फ लड्डू के लिए हुई थी, उसके बाद ये सारे आइटम्स भी आए। वाह, जो गुलाब शरबत डाला है उसे काफ़ी फ्रेशनेस। हमने यहाँ पे रबड़ी कुल्फी ट्राई की, बहुत ही अंदर जायका है, ख़ास के ऊपर से जो रोज़ सिरप डाला है, जो शरबत डाला है उससे इसका फ्लेवर्स और एनहांस हो गया है, बहुत ही उम्दा। हमारे लिए बिना हरा मिर्च का बनाएगा, ये कितने का देते हैं? ये 5 का। हाँ 5 का बनाएगा। अरे वाह, इसके अंदर कोयला रखे हुए हैं गर्म रखने के लिए। हाँ भुजिया गर्म रहता है। हाँ गर्म वाला भुजिया। कितना सा सिस्टम है इसको गर्म रखने के लिए, अंदर में कोयला है, और ये उठाएंगे इससे भुजिया और कॉर्नफ्लेक्स है, तो ये गर्म रहता है खाने में। प्याज, गाजर, मूली, प्याज तो बहुत महंगा हो गया है, मूँगफली, इसमें कॉर्नफ्लेक्स और भुजिया मिला हुआ है, काला नमक। सब रेगुलर। आपका नाम क्या बोल? अशोक बैरागी। हाँ अशोक बैरागी। अशोक बैरागी। हाँ तो यहाँ पे हेड कुक हैं? हाँ हम हेड हैं। अच्छा। और हमारे सेफ जो हैं वो तो वहाँ पाली रहते हैं, अभी वो एजेड हो गए हैं, उनकी उम्र हो गई है, तो बहुत कम आते हैं यहाँ, और बाकी क्या हम भी लोग देखते हैं उनकी, और ऐसे बताते थे हमारे सेठ जी, तो उनके पिताजी के टाइम में ये गद्दी थी नीचे गुजराती भाइयों की, तो उसके अंदर में क्या उनका स्टाफ 20-25 का जो स्टाफ रहता था, तो उनके लिए मतलब ये भाषा, मतलब भाषा बाड़ी, बंगाली भाषा में भाषा बाड़ी बोलते हैं, तो उन्होंने मतलब दो ठो महाराज रख लिया, दो आदमी रख लिया, और खाना वाना बनता था तो अपना स्टाफ को वो लोग खिलाते थे, फिर वो सेठ लोग भी चले गए, और फिर महाराज को सौंप दिया कि बाप को जिस हिसाब से चलाना आप अपने चलाओ, और दाल अपना मजदूरी निकालो और खाओ पियो मस्त रहो। तो जो कस्टमर्स हैं आपके यहाँ पे रेस्टोरेंट में जो आते हैं रेगुलर, तो ये के मेन व्यापारी हो गए या बाहर से लोग? व्यापारी नहीं है, ज़्यादातर नौकरी पैसा वाले आदमी आते हैं। अच्छा। व्यापारी जो है वो तो अपना क्या है कि घर पे खाते हैं। नहीं, जो बाहर से लोग आते हैं दूसरे शहर से? से बहुत कम आते हैं। कम आते हैं? हाँ बहुत कम आते हैं। हाँ नहीं, बाहर से तो वैसे भी बहुत कम ही है, जो जानते हैं वो आते हैं या ऊपर में,
समझे आपका तो बिल्कुल हैवी अंदर में ऐसे घुस के बना हुआ घर के छत पे। हाँ तो क्या है जो जानते हैं वो आते हैं और ज़्यादातर तो क्या महीना वाले खाना खाते हैं जो नौकरी पैसा वाले हैं जिनका खाना वाना का व्यवस्था नहीं वो लोग आते हैं ज़्यादातर अपने घर परिवार कहीं और है यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं वो अकेले जो रहते हैं उनको घर जैसा खाना चाहिए तो इसलिए वो यहाँ पे आते हैं बस यहाँ आते हैं बस ये। और बासा में शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है शुद्ध शाकाहारी इसके अंदर में आपको प्याज लहसुन वगैरह वगैरह कुछ नहीं मिलेगा उसके अंदर में ज़्यादातर गुजराती और मारवाड़ी है जैन भाई है तो अब जैनों के अंदर में तो आलू भी नहीं चलता आलू भी नहीं खाते आलू भी नहीं खाते वो लोग तो उस हिसाब से खाना बनता है जैन ये गुजराती और मारवाड़ी के हिसाब से। तो ये शाकाहारी थाली है जो सिर्फ 100 रुपये की है इसमें 3 तरह की सब्ज़ी दाल पापड़ रोटी और चावल एक सब्ज़ी कुंदरू की है एक सब्ज़ी मेथी और पापड़ की है सूखे हुए आलू की सब्ज़ी है दाल है चावल है और घी में छुपनी हुई कोयले पे बनी हुई रोटी तो यहाँ पे दाल 2 तरह की है मीठी दाल जो ज़्यादातर गुजराती पसंद करते हैं और एक नमकीन दाल ये काफ़ी यूनिक सब्ज़ी है पापड़ और मेथी दाने की ये सब्जी कुंदरू की है तो सब्जियाँ काफ़ी ज़्यादा दिखी है काफ़ी मसालेदार है इसलिए लगता है मुझे मीठी दाल के साथ पूरा बैलेंस बन जाता है चलिए धन्यवाद हमसे जानकारी शेयर करने के लिए और इतना शुद्ध खाना खिला खिलाने के लिए चलिए ठीक है। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बिल्कुल गाढ़ा दूध इस मिट्टी के प्याले में सर्व किया जाता है मंसूरिया जी की दुकान पे लगभग 50 साल पुरानी दुकान है और जो दूध है उसको कोयले की भट्टी पे काढ़ा जाता है पूरे दिन दूध उबालते रहते हैं लास्ट में जो दूध मिलता है बिल्कुल गाढ़ा दूध ऊपर मलाई की परत दूध का कलर है बिल्कुल ब्राउन हो चुका है अच्छे से दूध पक चुकी है और हम इसी के साथ अपने बड़ा बाजार वेटेन फूड टूर की समाप्ति करेंगे हमने शाम में शुरुआत हुई थी कांदोई की मिठाई की दुकान से गुलाब पाक से और फाइनली एंड कर रहे हैं बंसीलाल जी की दुकान पे हमने काफ़ी चीज़ें ट्राई की हम फिर मिलेंगे कलकत्ता के नए इलाके में नए जायकों के साथ तब तक कीप वॉकिंग कीप एक्सप्लोरिंग।